जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी चैनल स्टैनली मैकवान को आप सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की खबर आपको समय पर वक्त पर मिलती रहे। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन फैलाने में मेरी सहायता करें। आमीन। आप परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से वचन संहिता उसका 94 और 11 से लेकर 23 पद तक। वचन संहिता 94:11-23। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भक्त को न छोड़ेगा। परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो जाएंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थ कार्यों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है तो हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर उठाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि उसको हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस हो सके, क्योंकि हमारे परमेश्वर अपने वचन से वो हमसे बातचीत जो है वो करते रहते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और उसके बाद आदम और हवा को जो सबसे पहला बेटा हुआ था और उसका नाम उन्होंने रखा था कैन। और ये जो कैन थे जब वो पैदा हुए तो हवा ने ऐसा कहा कि परमेश्वर की कृपा से मुझे कैन जो है वो कैन पैदा हुआ, परमेश्वर की कृपा से मुझे कैन पैदा हुआ। इस बात को बहुत ध्यान से समझते रहना। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ और दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखा हाबिल। और आदम के इन दो बेटों की बात जो है वो बाइबल में लिखी गई है। जब कैन हुआ तो हवा ने कहा कि मुझे परमेश्वर की कृपा से मुझे ये बेटा जो है वो बेटा मुझे हुआ। और उसके बाद हाबिल वो भी पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने हाबिल रखा। अभी बाइबल पढ़कर हम इतना तो जानते हैं कि कैन जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन हाबिल वो परमेश्वर की निगाह में
अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। ये दोनों बेटे जवान हो गए और भला क्या है बुरा क्या है वो समझ सकने के लिए शक्तिमान हो गए। और तब एक बार ऐसा हुआ कि ये दोनों भाई जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ बलि लेकर आए। जो कैन थे वो और जो हाबिल थे वो दोनों जो है वो कुछ भेंट जो है वो लेकर आए। और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय और पढ़ो तो उसका दूसरा पद, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया और कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। जो कैन था वो खेती करता था और हाबिल जो थे वो भेड़ बकरी चराने वाले वो बने। अभी क्या हुआ, दोनों कुछ बलि लेकर आए। कई बार लोग सिखाते हैं कि जो हाबिल थे ना वो अच्छे बलि लेकर आए और कैन जो थे वो अच्छी बलि लेकर नहीं आए, और इसलिए परमेश्वर ने जो हाबिल थे उनकी बलि को स्वीकार किया, ग्रहण किया, लेकिन कैन की बलि को ग्रहण नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप बाइबल पढ़ो तो वहाँ कौन अच्छी भेंट लेकर आया कौन बुरी भेंट लेकर आया ऐसा वहाँ पर कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। कैन जो था वो भी अच्छी चीज़ लेकर आया और हाबिल जो थे वो भी अच्छी चीज़ लेकर आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है उन्होंने सिर्फ हाबिल और उसकी जो बलि थी उसकी जो भेंट थी उसको ग्रहण किया। लेकिन जो कैन थे ना तो उनकी बलि को और ना ही कैन दोनों को उन्होंने ग्रहण जो है वो नहीं किया। और इस कारण से जो कैन थे वो कैन भड़के वो भी ठीक है, लेकिन भड़कना चाहिए उनको परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर आपने मेरी जो भेंट है वो ग्रहण क्यों नहीं की। लेकिन कैन जो है ना वो भड़के हाबिल के ऊपर कि तेरी वजह से मेरी भेंट जो है वो ग्रहण नहीं की गई, मतलब उसकी ग्रहण की गई, इसके कारण ये कैन जो है उनको क्रोध आया, बोले मेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई तेरी भेंट क्यों ग्रहण की गई। कई बार इस संसार में ऐसा होता है कि जो मूल बात होती है जो जड़ होती है उस जड़ को लोग नहीं पकड़ते लेकिन किसी और बात को पकड़ कर बैठ जाते। जड़ क्या है कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, ये परमेश्वर की ओर से सवाल है। और कैन को गुस्सा अगर होना भी, कई बार स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कोई फर्स्ट नंबर लेकर आता है, अभी दूसरे और तीसरे नंबर वाला होता है ना वो उसके ऊपर जलन करते हैं, बोले क्यों फर्स्ट आया ये क्यों फर्स्ट आए, तूने ज़्यादा मेहनत की होती तो फर्स्ट आता, अगर तूने इस तरह से अच्छा लिखा होता तो तू फर्स्ट आता। और फर्स्ट रैंक देने वाले वो तो टीचर है, तुझे सेकंड देने वाले भी टीचर है या थर्ड देने वाले भी टीचर है, तू टीचर के पास जाना टीचर को पूछना कि टीचर आपने मुझे सेकंड रैंक क्यों दिया मुझे थर्ड क्यों दिया इसको फर्स्ट क्यों दिया क्या कमी है मेरे अंदर मैंने कहाँ पर गलती की, वहाँ पर पूछना चाहिए। लेकिन वहाँ पर नहीं, लोग भड़कते किसके ऊपर, जिसका अच्छा हुआ होता है ना उसके ऊपर लोग भड़कते। और कैन जो है वो हाबिल के ऊपर भड़के, लेकिन जब हाबिल के ऊपर भड़के तो परमेश्वर जो है वो कैन के पास आए और परमेश्वर ने कैन से बातें की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय और 6 और 7 पद, तो यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। हाँ, परमेश्वर बोलते कैन तू क्यों उदास हुआ है, तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है। फिर यदि तू भला करे इस बात को ध्यान समझ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी यदि तू भला करे
देखो भेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं यदि तू भला करे तो बोले तेरी भेंट जो है वो ग्रहण नहीं की जाएगी। अभी जब बाइबल पढ़ते तो पता नहीं चलता है अब ये कैन जो था क्या गड़बड़ी करता होगा। अभी देखो बाइबल में लिखने के अनुसार उस वक्त हमको चार लोग दिखाई देते, एक कैन, एक हाबिल, एक आदम और एक हवा। सिर्फ चार लोग हमें दिखाई देते और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। और परमेश्वर आकर ऐसा कहते हैं कि कैन यदि तू भला करे तो बोले क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। तो कैन क्या बुरा करता होगा और बुरा करता भी होगा तो किसका किसका वो बुरा करता होगा। जब बाइबल पढ़ते तो यहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा चार लोग दिखाई देते। तो कैन जो है वो किसके साथ बसरो की या ऐसा कुछ करता होगा। और हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना में, पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसका बारवा पद। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। हाँ, कैन के समान मत बनो जिसने अपने भाई को मार दिया और उसे किस कारण घात किया। हाँ, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हाँ, उसके काम बुरे थे, कैन के काम बुरे थे, इस कारण उसने अपने भाई को मार दिया। लेकिन उसके काम कौन से बुरे थे, कितने लोग यहाँ पर हो गए। उसके बाद में परमेश्वर ने कैन को दंड दिया और कैन को दंड दिया और कैन जो था उसको परमेश्वर ने वहाँ से निकाल दिया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 16वां पद। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कैन वहाँ से निकल गया और एदन के पूर्व की ओर नोद नाम का एक देश था वहाँ पर जा बसा। कई लोगों को सवाल हो जाता है एक ही परिवार परिवार में चार लोग और बोले कैन जो था वो नोद देश में कैसे गया, वहाँ पर ये देश कहाँ से आया, ये नोद देश कैसे आ गया, क्योंकि एक ही परिवार था फिर देश तो नहीं होना चाहिए। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक मूसा ने लिखा। ये ऐसा नहीं था कि आदम और हवा पैदा हुए और परमेश्वर ने लिख दिया बाइबल में, नहीं, ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा से लिखवाई। जब मूसा लिख रहे हैं तब नूत नामक देश था, नूत नामक देश था, मालूम नहीं कोलंबस मेरे ख्याल से था और वो भारत घूमने के लिए आया था, अमेरिका चला गया था, कोलंबस ने वास्को डी गामा वो अमेरिका चला गया था भारत देखने के लिए आया था। वो भारत ढूंढता ढूंढता, मुझे पक्का नाम नहीं मालूम, लेकिन वो भारत ढूंढने के लिए आया था, भारत में आ रहा था और मालूम नहीं कैसा अमरीका जा पहुँचा। और अमेरिका वहाँ पर जहाँ पहुँचा तो उसको तो ऐसा में इंडिया में आ गया। तो वहाँ पर उसको जो इंसान लोग मिले उनकी चमड़ी जो थी ना वो रेडिस मतलब लाल कलर की थी, मैं पूर्ण रीति से लाल नहीं, लेकिन उसको देख रहा है क्या बात है तो लाल दिखता है। कई बार लोग बोलते हैं ना तू तो पूर्ण रीति से लाल दिखता है, वो लाल नहीं होता है लेकिन उसमें हल्की सी लालस होती है। तो लोगों का ऐसा लोग मुँह से ऐसा बोल देते या रेड इंडियन, क्योंकि वो इंडिया में घूमने के लिए आए थे और वहाँ पर नाम दे दिया रेड इंडियन। अभी देखो उससे पहले भी वो लोग तो थे ना, नाम बाद में दिया गया क्योंकि उसके दिमाग में वही है कि मैं इंडिया में पहुँच गया। तो इंडिया ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गया और उनको कुछ और मिल गया। अभी ये तो था और मिला, उसको सही में मिला नहीं बोलते। लेकिन जब मूसा लिख रहे तब नोद नामक देश है, जैसे समझो कि आज हम यहाँ पर रहते नवायार,
नवा याड़ का, याड़ का मतलब होता है जहाँ पर ट्रेन रिपेयर होती है उसको याड़ बोलते हैं, और नवा आगे नवा लिख गया नया, मतलब याड़ पहले कहीं और था थोड़ा आगे की ओर। फिर कहो मैंने सोचा होगा ये जगह कम पड़ती है चाहे जो भी है, तो वहाँ से वो लोग यहाँ पर लेकर आए। इस जगह का नाम हो गया नवा याड़, मतलब पुराना वाला ये नया। लेकिन नया आने से पहले जगह तो थी नहीं, जगह तो पहले से थी, ऐसा तो नहीं था कि जगह नहीं आई। लेकिन नाम कब आया? बाद में आया। बोले कौन सी जगह? बोले नवा याड़। मैं जब छोटा था तो मुझे मालूम है कि जो हमारा स्टेशन है रेलवे स्टेशन, मेरे पापा उसको बोलते थे नया स्टेशन, और ये जो पंड्या होटल है उसको बोलते थे पुराना स्टेशन। मेरे पापा, आप पंड्या होटल को पुराना स्टेशन क्यों बोलते हो? बोले यहाँ पर पहले स्टेशन होता था, तो उनकी उम्र वाले उसको पुराना स्टेशन बोलते थे। वो तो वहाँ पर एक होटल चल पड़ी पंड्या होटल, आज मालूम नहीं कहाँ पर है, लेकिन उसके नाम से वो पंड्या होटल चल पड़ा नाम। लेकिन वो पहले स्टेशन हुआ करता था, तो जगह तो थी, अभी दूसरी जगह पर ले गए तो वहाँ पर नाम बदल गया। उसी तरह से कैन जो है जहाँ पर रहने के लिए गए, वो देश का नाम कुछ भी नहीं था, उस जगह का नाम कुछ भी नहीं था। जब वो गए तब लोगों को सवाल होता है नॉर्थ देश कहाँ सा है, नॉर्थ देश था ही नहीं, जगह थी वो। बाद में जब मूसा लिख रहे तब उस जगह का नाम था नॉर्थ, इसलिए मूसा ने ऐसा लिखा नॉर्थ देश में जाकर रहे। ये सिर्फ समझाने के लिए हमारा सब्जेक्ट कुछ और है। फिर आगे लिखा है उत्पत्ति चार उसका 17 पद। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, अभी कई लोग यहाँ पर अटक जाते हैं कैन की पत्नी कहाँ से आई, जबकि बाइबल में चार लोगों के बारे में लिखा है आदम हवा कैन हाबिल, तो फिर उसकी पत्नी कहाँ से आ गई? लोगों को सवाल होते हैं क्या कहीं और भी कुछ लोग थे, क्या परमेश्वर ने किसी और लोगों को भी पैदा किया था? नहीं, एक ही परिवार में से। और बाइबल में लिखा है कि हम सभी एक ही जोड़े में से पैदा हुए लोग हैं, आदम और हवा में से। और शुरू में इसी तरह से भाई बहन जो है वो शादी करते थे। अब्राहम और सारा भी सगे भाई बहन थे, उनकी सिर्फ माँ अलग थी लेकिन बाप एक ही था, दोनों भाई बहन थे। तो यहाँ पर अध्याय चार में ऐसा लिखा कि हवा गर्भवती हुई, कैन को जन्म दिया। हवा गर्भवती हुई और हाबिल को जन्म दिया, लेकिन हवा गर्भवती हुई और कोई और लड़की भी पैदा हुई वो नहीं लिखा। परमेश्वर ने नहीं जाना, नहीं उचित समझा होगा तो नहीं लिखा, क्योंकि बात किसकी चल रही है? आद कैन और हाबिल की चल रही है, और इसलिए वहाँ दूसरे का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिया। लेकिन ये लोग जवान हो गए, तो जवान हो गए तब तक तो और भी तो बच्चे होंगे ना, तो बच्चे तो होते रहे, एक दो नहीं मालूम नहीं, वो जवान हुए तब तक कितने 12-15 और कितने बच्चे हो गए हमको नहीं मालूम। लेकिन बच्चे जो है वो बच्चे उनको हुए थे, और उन्हीं में से एक लड़की को लेकर, अपनी बहन को लेकर, उसको पत्नी बनाकर कैन जो है वो कहीं और चला गया। लेकिन हम बात कर रहे थे कैन के काम के बारे में। अभी देखो और भी बच्चे, मतलब भाई बहन और भी थे। अब ये कैन ऐसा होगा ना कि अपनी माँ को परेशान करता होगा, अपने बाप को भी परेशान करता होगा, और साथ में अपने भाई बहनों को भी परेशान करता होगा, और कोई तो था ही नहीं जिसको परेशान कर, एक ही परिवार था। अभी देखो कैसा ये इंसान है कि अभी तो एक ही परिवार है और खुद के माता पिता है, खुद के भाई बहन हैं, उनको परेशान करने से पीछे नहीं हट रहे। और जो यूहन्ना में हमने पढ़ा कि पहले यूहन्ना 3:12 में, तो बोले उसके काम पहले से ही खराब थे, उसके काम बुरे थे। अभी मालूम नहीं कैन कैसे कैसे काम करता होगा, लेकिन मुझे लगता है उसके माता पिता भाई बहन सभी उसी से परेशान, भयानक सी हालत। और इस कारण से परमेश्वर ने उसके भले को ग्रहण नहीं किया। अभी इसको आया गुस्सा हाबिल के ऊपर, परमेश्वर ने उसको बोला कि तू क्यों क्रोध करता है, अगर तू अच्छा काम करे तो बोले तेरे भले क्या ग्रहण नहीं होगी, मैं तेरे भले ग्रहण कर सकता हूँ अगर तू अच्छा करे तो भी ये पीछे नहीं हटा।
और हाबिल को बोलता है चलो हाबिल हम लोग बाहर घूम कर आते हैं, और हाबिल को खेत में लेकर गया और खेत में ले जाकर मालूम ने कैसे लेकिन हाबिल का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं मारने के बाद उसको दफन भी कर दिया। देखो अभी एक ही परिवार, अभी तो दुनिया शुरू ही हुई है, पहले अगर ऐसा किसी ने काम किया हो तो आइडिया भी आ सकती है कि चलो हम भी ऐसा कुछ करें, लेकिन यहाँ तो आइडिया देने वाला कोई है ही नहीं। यही पहला मर्डर करने के बाद दफन, कैसा इसका दिमाग चल रहा है। और देखो हुआ क्या, जो अच्छा था हाबिल वो मर गया, और जो बुरा था केन वो बच गया। उसके बाद में परमेश्वर ने इस केन को दंड दिया, और केन को कैसा दंड दिया हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और पढ़ो तो उसका 11 और 12 पद। इसीलिए आप भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी को भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हाँ बोले तू पृथ्वी पर भटकने वाला होगा, मतलब तू एक जगह पर स्थिर जो है वो नहीं रह सकता, तो बोले इधर उधर भटकता रहेगा। और फिर उसका 13वां पद पढ़ो तो। तब कहने यहोवा से कहा मेरा दंड सहने से बाहर है। हाँ अभी देखो इसमें सही में दंड क्या है, क्या परमेश्वर ने इसको दंड दिया बोले अभी धरती जो है वो धरती तुझे बल नहीं देगी, और जितनी तू मेहनत करेगा उतनी फसल तुझे नहीं मिलने वाली, और बोले तू धरती पर इधर उधर भटकता रहेगा। बस इधर ध्यान बनाए रखो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो है उसको ध्यान से सोचो तो सही में कैन को दंड मिला क्या, ये कौन सा दंड है उसको, कहीं पर जमीन खरीदनी नहीं उसको, वो खुद मालिक है, कहीं पर भी जाए तो उसी का है, उसको खरीदना नहीं पैसे इकट्ठा नहीं करना है, कहीं पर भी जाओ बस बिजनेस शुरू कर दो, फसल कम आएगी तो एक टुकड़ा ज्यादा बीज डाल दो और क्या। लेकिन इसका दंड देखकर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका दंड बहुत भारी है, कुछ नहीं पत्नी भी मिल गई, आगे जाकर पढ़ो तो पता चलता है उसके बच्चे भी हो गए। कहीं पर भी कैन के बारे में हमें ऐसा नहीं लगता है कि कैन को कुछ ज़्यादा दंड मिला, कुछ भी नहीं, बस अपने परिवार से अलग हो गया, वैसे ही परेशान करता था वो तो, बस वहाँ से जुदा हो गया और क्या, दूसरा परिवार उसका तो बस गया। सही में देखने जाओ तो वहाँ पर कोई दंड नाम की चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती, और इधर हाबिल जो अच्छा था वो तो मर गया बेचारा, वो तो खत्म हो गया। जब ये दोनों साथ में खेत में जा रहे थे और ये सोचकर जा रहा था कैन कि मैं इसको खत्म कर दूँ, और परमेश्वर कैन के साथ बात कर सकते हैं, परमेश्वर कैन को बता सकते हैं कि कैन तू अगर अपना चाल चलन सही रखे, अगर तू अच्छा करे तो बोले क्या तेरी बलि में ग्रहण नहीं कर सकता, तेरी भेंट में ग्रहण नहीं कर सकता, तो वही बात परमेश्वर क्या हाबिल के साथ ना करे, ये हाबिल निकल जा वहाँ से, ये तो तुझे मार देगा, ये तो तुझे खत्म कर देगा, आ जा वापस आ जा घर में बैठा, इसके साथ कहीं पर भी मत जाना। क्या परमेश्वर हाबिल को नहीं बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया हाबिल को, और हाबिल जो है वो मर भी गया, मार दिया गया। और उसके बाद कैन को जो दंड मिला वो सही में उसके अंदर दंड जैसी कोई बात अगर देखने जाओ तो वहाँ पर दंड जैसी कोई बात नहीं दिखती। धरती बढ़ते गए, लोग भी बढ़ते गए, परमेश्वर ने अपने लोगों को पसंद किया, याकूब को पसंद किया, उसका नाम इज़राइल रखा, और उसके जरिए पूरी एक प्रजा पैदा हो गई, इज़राइल प्रजा पैदा हो गई। उसके बाद में इज़राइल लोगों ने राजा मांगा तो परमेश्वर ने उनको राजा दिया, और राजा था सबसे पहले शाऊल, शाऊल नाम के राजा को परमेश्वर ने दे दिया, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको अपना आत्मा दिया, और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया, और परमेश्वर ने पूरे इज़राइल में सबसे ऊंचाई की जगह पर
ये शाऊल जो थे उनको बिठा दिया। उसके बाद क्या हुआ, शाऊल जो है वो 2 साल तो अच्छे से चले, लेकिन उसके बाद शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध में जाने का शुरू कर दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानना बंद कर दिया। अब वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण शमूएल को परमेश्वर ने शाऊल के पास भेजा। शमूएल भविष्यवक्ता थे, और शमूएल ने बोल दिया कि शाऊल अब तेरी जगह पर परमेश्वर ने अपने मन पसंद एक इंसान को चुन लिया है, और अब वो राजा बनेगा। उसके बाद दाऊद जो थे, दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक करवा दिया, अभी दाऊद राजा। लेकिन राजा के पद पर तो अभी भी शाऊल है। दाऊद का तो सिर्फ अभिषेक हुआ है, लेकिन अभी उसको दाऊद को राजा का पद नहीं मिला है। अभी दो पार्टी, एक और शाऊल, एक और दाऊद। शाऊल भी राजा, दाऊद भी राजा। शाऊल का भी अभिषेक परमेश्वर ने किया, तो दाऊद का अभिषेक भी परमेश्वर ने किया। शाऊल 2 साल के बाद परमेश्वर ने जब दाऊद का अभिषेक कर दिया, तो शाऊल को अभी राजगद्दी जो थी वो छोड़नी चाहिए थी। उन्होंने नहीं छोड़, मैं नहीं बैठने दूंगा किसी को। अभी पूरा खुलकर विरोध में ही आ गया, पूरा परमेश्वर के विरोध में। और इधर दाऊद जो है वो अभी संपूर्ण रीति से 100% परमेश्वर में बने रहे। एक और वो राजा है जो परमेश्वर के विरोध में चल रहा है, और दूसरी ओर एक परमेश्वर का इंसान जो 100% परमेश्वर में चल रहे। दोनों का जीवन देखो। शाऊल जो है उसके पास से पवित्र आत्मा चले गए, दाऊद पवित्र आत्मा से भरे हुए। लेकिन दाऊद परेशान हो रहे और शाऊल को कोई परेशानी नहीं है, शाऊल को कोई परेशानी नहीं है। शाऊल जो है अपने घर में बैठे, और जब जब उनके ऊपर दुष्ट आत्मा उनको परेशान करने के लिए आता है, वो तो दाऊद को बुला लेते, बोले चल दाऊद अभी आराधना कर। अभी दाऊद आराधना करते, दाऊद आराधना कर, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। शाऊल तो अच्छा खासा हो जाता है। शाऊल सोच रहा है ये दाऊद ही बनने वाला राजा, लाओ उसको खत्म कर दो। 2 बार उसने भाला मार दिया, और आराधना करने वाले आंखें बंद कर कर परमेश्वर में खो जाते। और मुझे भी लगता है दाऊद इसी तरह से खो जाते होंगे परमेश्वर की आराधना में। लेकिन तभी जैसे ही शाऊल ने भाला मारा होगा, किसी भी तरह से परमेश्वर ने दाऊद की आंखें खोल दी होगी, और दाऊद ने देखा भाला आ रहा है, वो बाजू हट गए। और क्या हुआ, भाला दीवार के अंदर घुस गया। ऐसा 2 बार हुआ, और दोनों बार दाऊद जो है वो बच गए। अभी देखो शाऊल राजा, उसने ऐसे भाला मारा, भाला मारा मतलब गुस्से में है, क्रोध में है। और जैसे ही मारा, दाऊद हट गए, भाला अंदर चला गया। अभी शाऊल ऐसा बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था, उसका तो क्रोध और भी फटकेगा, क्योंकि उसका निशाना चुक गया, वो तो और जोरों से इसको मारेगा। तो दाऊद क्या करेगा, दाऊद तो भाग ही जाएगा, बोले भागो यहाँ से। और ये जो 2 बार मारा ना भाला, वो दोनों के बीच में कुछ वक्त का अंतर है, एक साथ में 2 बार नहीं मारा है। इसका मतलब दूसरी बार भी राजा ने बोला जाओ दाऊद को बुला कर लेकर आओ। अभी देखो दाऊद के अंदर डर भी है, बोले एक बार तो भाला मारा, अभी दूसरी बार क्या करेगा, जाओ मैं ना जाओ, जाओ मैं ना जाओ, ना जाओ ऐसा हो नहीं सकता, राजा है जाना ही पड़ेगा। ये तो अपने घर में बैठकर ऑर्डर दे रहा है, बुला कर लेकर आओ। दाऊद फिरा है, और दाऊद फिरा है, फिर आराधना, दाऊद फिर आराधना में खो गई, फिर भाला उठाए, फिर भाला मारा। परेशान कौन हो रहा है, परेशान दाऊद हो रहा है। शाऊल को कोई परेशानी नहीं, ना शाऊल को कोई बीमारी है। बाइबल पढ़ना तो ऐसा लिखा है, जब शाऊल राजा बने तब 30 साल के थे, 40 साल उन्होंने राज किया। कितने साल के हो गए, 70 साल के हो गए। और शाऊल मरे कैसे,
खुदकुशी कर ली। लेकिन कहां पर खुदकुशी की? लड़ाई में गए थे। इसका मतलब 70 साल की उम्र में शाऊल का बल कैसा होगा, शाऊल का सामर्थ्य कैसा होगा, तभी लड़ने के लिए गए ना। चाहे मर गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दो को मारे बिना आए हुए थे। उन्होंने भी कुछ तो वहां पर किया होगा। लेकिन जब देखा होगा कि हम लोग जीत नहीं पा रहे थे और लोग भाग रहे थे, तो फिर शाऊल ने भी भागना शुरू किया होगा, चलो भागते। अभी 70 साल की उम्र में तो शाऊल बिंदा से भाग रहे हैं। बल है उनके पास, सामर्थ है उनके पास, और पीछे पुलिस थी लोग। लेकिन इनको लगा कि यार ये लोग तो मुझे ओवरटेक कर लेंगे, मैं इनके हाथ में पकड़ा जाऊंगा। तो शस्त्र ढोने वाले को कहा, एक काम कर, मुझे मार दे, कहीं ये लोग मुझे आकर मार दे, खतना रहित लोग, उससे अच्छा तू ही मार दे। तो वो डर गया, बोले नहीं मैं तो नहीं मार सकता। तो शाऊल ने देखा कि अभी मैं ज़्यादा भाग नहीं सकता और इनके हाथ में मैं आने ही वाला हूँ। उसने ऐसे तलवार रखी, खुद तलवार के ऊपर कूद पड़े और शाऊल मर गए। देखो मरते वक्त तक उनके पास 70 साल की उम्र में उनका जो बल था वो वैसा का वैसा ही था। शाऊल की पूरी जिंदगी देखो, शाऊल को कहीं पर भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हाँ, दुष्टात्मा परेशान करता था, लेकिन दाऊद आकर भगा देते थे, ज़्यादा इनको कुछ हुआ नहीं। पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, दाऊद शाऊल को कोई बीमारी नहीं लगी। शाऊल होते हुए कभी भी किसी का गुलाम नहीं बने थे, ना इसराइल प्रजा किसी के गुलाम बने थे। खाने पीने, उठने बैठने, कहीं पर भी उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। 38 साल तक उन्होंने दाऊद को मारने का प्रयत्न किया, दाऊद के पीछे भागते रहे। उधर 38 साल जब तक शाऊल जिंदा रहे, तब तक दाऊद जो है उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। अभी तुम्हें से अच्छा कौन है? देखे एक और शाऊल जो पूरी तरह से दुष्ट है, एक और दाऊद जो पूर्ण रीति से परमेश्वर में है। लेकिन सहन कौन कर रहा है, दुख कौन भुगत रहा है? दाऊद तो एक बार भाग गए पलिस्तीन के देश में, और वहां पर भी कहां, गाथ नाम का देश, गाथ नाम की जगह, वहां के राजा का नाम था आकीश, और वहीं का योद्धा था गोलियत, और गोलियत को दाऊद ने मार दिया था, और तभी से दाऊद का नाम बहुत ऊंचा हो गया था। और वही दाऊद वही शहर में, वो भी छुपके शाऊल के डर से। लेकिन शाऊल अपने सिंहासन के ऊपर बिंदास है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अभी इसराइल में आते तो शाऊल का डर है, वहां पर रहते तो फिलिस्ती लोगों का डर है, और कोई देख गया वो तो दाऊद है, और उसको पकड़ कर लेकर गया आकीश के राजा के पास। आकीश के पास बोले, दाऊद है ये जिसने गोलियत को मार दिया, बोले दाऊद है जिसके बारे में लोगों ने ऐसा कहा था कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन इससे 10,000 को मारा है। तो दाऊद ने भी समझ लिया कि अब गया काम से, मैं अभी लोग मुझे उड़ा देंगे। दाऊद ने एक्टिंग करना शुरू कर दिया, पागलपन की एक्टिंग की। अभी एक्टिंग भी इतनी परफेक्ट की कि दाऊद छूट गए वहां से। बोले पागलों की क्या कमी है? तो बोले मैं इसको भी यहां पर रखूं? बोले भगाओ इसको, ये तो कोई पागल लगता है, कोई दाऊद लगता है क्या? आकीश ने विश्वास नहीं किया कि दाऊद है, कैसे एक्टिंग की होगी, कभी पागल लोगों को देखा है ना? समझ लो ऐसा कुछ दाऊद ने किया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो ऐसे दीवारों के ऊपर, फाटकों के ऊपर ऐसे है, ऐसे ऐसे करने लगा, और अपनी लार निकाल कर अपनी दाढ़ी के ऊपर गिराने लगा। बोले तो वो पागल है, दाऊद नहीं है, छोड़ उसको, जाने दो। लेकिन अंदर उसके दिल की धड़कन कैसी होगी? बोले पहचान लिया था, पहचाना ही था। बोले अगर राजा ने मान लिया मैं दाऊद ही, तो मेरी हालत क्या होगी? ये क्यों भुगत रहे दाऊद? कोई पाप नहीं,
परमेश्वर के साथ चलते हैं उसके कारण। इधर शाऊल वो परमेश्वर में नहीं है, उसने तो परमेश्वर को छोड़ दिया, पूरी दुष्टता के ऊपर आ चुका है, उसको कोई परेशानी नहीं, वो तो बिंदास से जीवन जी रहे, बिंदास से खाए पी जा रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, पानी मांगे तो दूध हाजिर, पैसे से लेकर सब कुछ उनके पास है, और जब चाहे तब दाऊद को मारने के लिए भागते। और दाऊद बेचारे 38 साल तक शाऊल से पीछा छुड़ाने के लिए कभी इधर कभी उधर छुपते रहे, भागते रहे, छुपते रहे, भागते रहे। दो दो बार तो शाऊल उनके हाथ में आ गए, फिर भी दाऊद ने उनको नहीं मारा, दाऊद ने उनको छोड़ दिया। दाऊद इतने अच्छे और परमेश्वर में अच्छे चाल चलन के कारण उनको बहुत भुगतना पड़ा। और वहीं पर जो शाऊल है, वो शाऊल की हालत कुछ ऐसी है। आगे चलते चलते इसराइल में एक राजा बना जिसका नाम था अहाब। अहाब वो था जिसने परमेश्वर के विरोध में ही सारा काम किया, और उसने शादी की इजेबेल से, और इजेबेल ऐसी थी जो पराये देवता को मानती थी, बाल को, वो बाल की पूजा करती थी, और वो भी ऐसी वैसी नहीं थी। राजा ने शादी की तो बड़े ही घराने की होगी, मतलब के पैसे वाले घराने की होगी, और वो तो इसके शादी कर कर आई, तो साथ में अपने भविष्यवक्ता को भी लेकर आई, बाल के अहाब को भी बोल दिया इसी की पूजा कर, बोले हो मैं क्या है। अहाब भी वहीं पर चला गया। अहाब दुष्ट, इजेबेल भी ऐसी, लेकिन राजा और रानी इनको देखो तो कोई परेशानी इनके जीवन में नहीं है, ये लोग बिंदास से जीवन जीते, इनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, ना कोई मुश्किल है इनके जीवन में, ये लोग तो बिंदास से जीवन जीते। वहीं पर परमेश्वर ने भेजा एलिया को, एलिया परमेश्वर के, और एलिया जो है उनकी जब बाइबल में एंट्री होती है वो अहाब के सामने जाकर ऐसा बोलते हैं, जिस परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा रहता हूँ उस परमेश्वर की शपथ, बोले जब तक मैं नहीं कहूँगा बरसात नहीं आएगी। अभी देखो एलिया परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं, मतलब पूर्ण रीति से शुद्ध अच्छे चाल चलन वाले परमेश्वर के साथ रहने वाले, और इधर अहाब जो पूर्ण रीति से दुष्ट बाल के पीछे चलने वाले, इजेबेल के पीछे चलने वाले, नबायोथ नाम का एक इंसान था उसको मरवा दिया, उसके अंगूर की बारी थी वो से छीन ली, अहाब के ऐसे काम, लेकिन फिर भी बिंदा से जीवन जी रहे, उसको कोई कठिनाई नहीं, उसको किसी भी तरह की मुश्किल नहीं है। और वहीं पर ये एलिया ने भी एक बार बोल दिया, बोले सभी लोगों को कार्मेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा करो, इसराइल को भी, इजेबेल के जो 850 भविष्यवक्ता है बाल के उनको भी, और राजा तू भी और मैं भी। और बोले हम वहाँ पर ऐसा करेंगे, एक वेदी ये बाल के लोग बनाएंगे, एक वेदी मैं बनाऊंगा, वो लोग बाल को बुलाएंगे और बाल को कहेंगे कि बाल इस वेदी के ऊपर अपनी आग बरसा और इस बलि को भस्म कर दे, और बोले उसके बाद मैं भी यहोवा से विनती करूंगा और हम देख लेते, परमेश्वर तो एक ही है, बाल परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर, हम देख लेते। बोले अभी देखो ये काम देखने जाओ तो कितना अच्छा है कि जो भी अंदर झूठ भरा हुआ है वो निकल जाएगा, जो भी गलत रास्ता है वो पता चल जाएगा। अगर कोई आकर ऐसा बताए कि भाई साहब मैं आपको सच बताता हूँ हम कहीं झूठ में जा रहे हैं, और जब सच हमारे सामने आ जाए तो हम तो आज़ाद हो गए ना, बाइबल में भी लिखा है सच्चाई जानोगे तो सच्चाई क्या करेगी, आज़ाद करेगी।
एक बार एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बड़ा बॉल अपने टेबल के ऊपर रखा था। अभी जो बॉल था ना, वो इधर से आधा काला था और इधर से आधा वाइट में था, बड़ा बॉल। एक लड़के को इधर खड़ा रखा, एक लड़के को इधर खड़ा रखा, अभी पूरी हाइट में। इधर वाले को सिर्फ वाइट कलर दिखाई देता है, इधर वाले को सिर्फ काला कलर दिखाई देता है, और सामने जो लोग बैठे उनको दोनों कलर दिखाई देते हैं। अरे प्रोफेसर साहब ने इस लड़के से पूछा, बोल तो बॉल कैसा दिखाई देता है, कौन से कलर का है? बोले सफ़ेद कलर का है। इधर वाला तो हंसने लगा, उसको सफ़ेद कैसे दिखाई देता है? इसको बोला बॉल कौन से कलर का है? बोले काले कलर का है। अभी हंसने लगा, इसको सफ़ेद कलर नहीं पता चलता। इसको फिर से पूछा, बोल तो कौन से कलर का है? बोले सफ़ेद कलर का है। इसको फिर से पूछा, बोले तो? बोले काले कलर का है। बोले आप दोनों एक दूसरे से बात करो। वो बोलता है सफ़ेद है, ये बोलता है काला है। बोले सफ़ेद काला। फिर दोनों के अंदर क्रोध आ गया, अभी दोनों जोरों जोरों से बोले। प्रोफेसर ने बोला अभी बंद करो बोलना। प्रोफेसर ने बॉल को ऐसे घुमाया, अभी वो हैरान, बोल बोल बॉल कैसा है? बोले ये क्या है, ये तो काला है आधा। इसको बोला, बोला हाँ आधा वाइट है। इसको जो दिखता था वो सही था काला, इसको जो सफ़ेद दिखता था वो भी सही था, लेकिन दोनों के पास आधा सच था, पूरा सच तो नहीं था। पूरा सच क्या था? पूरा बॉल देखो तो पता चले, लेकिन ज़्यादातर कैसा होता, एक और से जो कलर दिखेगा वही कलर इतना होगा ना दिमाग में पहले से ही है। लेकिन वो काला क्यों बोल रहा है, ये सफ़ेद क्यों बोल रहा है? एक मिनट प्रोफेसर मुझे देखने दो, तो अगर पास में आकर घुमा कर देखता तो नहीं पता चल जाता, सच्चाई सामने नहीं आ जाती। और ऐसे जब सच्चाई सामने आ जाती है तब प्रेम जो है बना रहता है और किसी के प्रति कड़वाहट नहीं आती। अभी इसराइल में कुछ लोग बाल को मानने वाले, कुछ लोग यहोवा को मानने वाले। अभी बाल तो झूठा है, ऐसा तो कोई है ही नहीं, परमेश्वर सच्चे। तो एलिया जो सही कर रहे, एलिया बोलते सभी को एक ही रास्ते पर एक ही लाइन में लगा देता हूँ, इजेबेल को भी और आहाब को भी। वो कौन सा आहाब से नफरत करते, वो कौन से इजेबेल से नफरत करते, वो तो सभी की भलाई चाहते। सभी को इकट्ठा कर दिया और बाल वाले को बोला चलो पहले तुम्हारी बारी। ये लोग सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहे, बाल आ जा आ जा आ जा आ जा। आखिर में इतना क्रोधित हो गए कि तलवार लेकर अपने आप को मारने लगे। कितने पागल हो गए, बोले ये सुनता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं। और एलिया तीन चार बार उनकी उनका ठट्ठा भी किया, बोले सो गया होगा, थोड़ा जोर से पुकारो। अरे रास्ते में होगा, उसको सुनाई नहीं देता कौट देखो। और शाम हो गया, एलिया बोलता अभी मेरी बारी। एलिया ने पहले तो वेदी के ऊपर पानी डलवाया, चार और खड्डा खुदवा कर उसमें भी पानी भरवा दिया। एक ही बार बोला परमेश्वर जो कुछ मैंने किया आपके कहने से किया, अभी आपको जो काम करना है करो। और तुरंत परमेश्वर की ओर से आ गई। अभी बस स्पष्ट हो गई कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। इजेबेल को मान लेना चाहिए, इजेबेल बोलती अभी कल तो मैं इसको ही मार देती। अभी देखो खुद दुष्ट है, बोले मार दो उसको, बोले एलिया को मार दो। अभी एलिया बेचारे भागे भागे भागे, गाड़ी तो थी नहीं उस समय, एलिया भागे इतना भागे इतना भागे इतना भागे कि जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। और वहाँ पर जाकर पहले प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो, मुझे अपने ऊपर ऊपर बुला लो। बोले भैया तो क्या ये लोग मानते ही नहीं, इतना मैंने कितना रिस्क लिया, सभी को स्पष्ट बता दिया, फिर भी उनको मुझे मारने के लिए भाग रहे। अभी देखो आपको कोई है परेशानी, इसे मेरे को है कोई परेशानी, उनको भागना पड़ता है किसी से, किसी से भी नहीं। इतना जानने के बाद भी, इतना समझने के बाद वो लोग बिंदा सब। लेकिन मुश्किल किसको है? मुश्किल एलिया को है। एलिया बेचारे इधर उधर भाग रहे बचने के लिए, स्वर्ग उताया, पानी पिलाया, रोटी खिलाई, और फिर 40 दिन 40 रात लगातार चलते रहे। पर अहाब और
इजेबेल को घूमना है तो वो तो रथ में घूमते हैं। एलिया को परमेश्वर का काम करना है तो भी चलते चलते, इनको मौज मस्ती करनी है तो भी रथ। एलिया के लिए खाना नहीं, कभी विधवा के पास, कभी गौओं के पास, और अपने महल में बैठकर बिंदास से ये लोग तो जीवन जी रहे। ऐसे चलते चलते प्रभु यीशु हम इंसान लोगों को बचाने के लिए वो इंसान बनकर आ गए। पैदा इसी पवित्र आत्मा से भरे हुए 100% पवित्र और प्रभु यीशु इस धरती पर आए। 30 साल के हुए उन्होंने काम करना शुरू किया और अभी प्रभु यीशु बीमारों को चंगाई दे रहे, भूत प्रेत को भगा रहे, मुर्दे को जिंदा कर रहे, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे। ऐसा हो ना तो जो चर्च के अगुए होते जो फरीसी लोग, उनको क्या करना चाहिए, अरे यीशु यार आप यहाँ पर ही आ जाओ यार, चर्च में ही आ जाओ, सभी लोग यहीं पर इकट्ठा होते, आप ही यहाँ पर बैठ जाओ, हम आपके लिए जगह बना देते, बिंदास से करो ये काम। अभी देखो यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, लाचर बीमार हो गए बहनों को, देखो यीशु को बुला कर लेकर आओ। लेकिन ये तो एक ही जगह चर्च, आज वडोदरा के चर्च में, कल अहमदाबाद के चर्च में, परसों सूरत के चर्च में, बस सभी लोग वहीं पर आ जाए। सूरत के चर्च में सारा सूरत वाले इकट्ठा हो जाए, सारे चंगे, वडोदरा के चर्च में सारे बीमार लोग आ जाए, अहमदाबाद के चर्च में सारे बीमार लोग आ जाए, कितना अच्छा काम होगा। और अगर फरीसी लोग ये काम करते हैं उनका भी नाम कितना होगा। लेकिन इनको तो आ गई ईर्ष्या, ये लोग पूरा मत्ती मरकुस लुका यूहन्ना पढ़कर देखना, ये तो लगातार इसी खोज में रहते थे यीशु को परेशान कैसे करें, किस तरह से हमें उसको मारने का मौका मिले, किस तरह से हम यीशु मसीह को खत्म कर दें। पहला ही प्रचार लुका 4 में लिखा है, पहला ही प्रचार प्रभु ने किया, यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक से कुछ पढ़ा और बोला आज ये जो वचन है तुम्हारे सामने पूरा हो गया। और जैसे ही इतना बोला सभी लोग तो प्रभु यीशु को मारने के लिए खड़े हुए और धक्का मार मार कर वो शहर जो था वो पहाड़ के ऊपर था, वहाँ पर किनारे के ऊपर लगा धक्का मारने की सोच रहे थे, प्रभु यीशु वहाँ से धीरे से चुपके से भाग निकले और बच गए। अभी समझो पूरी भीड़ है और कि इंसान को टारगेट बनाए कि इसको किसी भी तरह से पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंकना है, तो सभी की निगाह तो उसी के ऊपर रहेगी ना। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु उनके बीच में से चल गए, लेकिन क्या छुपके से निकलकर निकलना क्या प्रभु यीशु के लिए संभव था। भागे हो गए जान बचा कर, बोलो भागो किसी भी तरह से, जवान थे किसी भी तरह से 2-4 को धक्का मारते वो भी बीच में से भाग गए होंगे तभी बचे होंगे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार इन लोगों ने प्रभु यीशु को मारना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु 100% सच्चे और 100% अच्छे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। और इधर फरीसी लोग दुष्ट सही से चलते ही नहीं थे, लेकिन उनको थी कोई परेशानी, वो तो बिंदास अपने सिंहासन के ऊपर बैठकर बिंदास से काम किए जाते थे। और प्रभु यीशु देखो उनको कितनी परेशानी होती थी। और आखिर में उन लोगों ने यीशु मसीह को खत्म भी करवा दिया, यीशु मसीह को मरवा भी दिया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझ, आदम और हवा से लेकर जब से धरती शुरू हुई तब से लेकर आज तक ऐसा ही होता आ रहा है, जो अच्छा है वो भुगत रहा है, जो सच्चा है वो भुगत रहा है, जो सही चाल चलन रखता है वो भुगत रहा है, और दूसरे लोग जो दुष्ट गिने जाते वो लोग तो बिंदास से वो लोग जीवन जीते, उनको कोई मुश्किल नहीं। आज भी जो सच्चे हैं
ईमानदारी से चलते उनको परेशान करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन कोई शराब पीते ऐसे ऐसा आता होगा ना, मैं उसको नहीं छुटा के थप्पड़ मार दे दो, दो चार गाली बोल दे दो, मैं उसको शांति, उसको भाई ये सीधा है, उसको सताएंगे, उसको परेशान करेंगे। आज भी यही चल रहा है बरसों से, चाहे जमाना बदल गया, चाहे ज्ञान बढ़ गया, चाहे परिस्थितियां बदल गई, लेकिन जो बरसों से होता हुआ आया है वो आज भी हो ही रहा है। आज भी झूठे लोगों का बोलबाला ही रहा है। आज भी अगर हम परमेश्वर के लोगों के बारे में बात करें, जो सच्चाई से ईमानदारी से अगर परमेश्वर का राज प्रकट करता होगा, सच्चाई से और ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलता होगा, सच्चाई से परमेश्वर के वचन को सिखाता होगा, उस बेचारे के पास एक चर्च नहीं होगा कि लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करते हुए वो लोगों को अच्छे से कुछ सिखा सके। उसके पास कब्रस्तान भी नहीं होगा ताकि ये सेवा भी कर सके। लेकिन झूठे हो गए तो किसी भी तरह से पैसा लोगों के पास इकट्ठा कर 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 बड़ा चर्च बना देंगे। अरे तो कभी कल ही मार्केट में आया और आज इतना बड़ा चर्च बन गया। बोले परमेश्वर की दया है। कैसी परमेश्वर की दया है? तूने प्रचार ऐसा किया, लोगों को भड़काया। यहाँ साउथ गुजरात में जाकर देखो, और भी जगह पर जाकर, चाहे कोई भी जगह पर जाकर देखो, जब भी कहीं पर भी कोई भी बड़ा प्रचारक जिसका नाम चलता है ऐसा आएंगे, दो दिन की मीटिंग, तीन दिन की मीटिंग, लेकिन जो भी आखिरी दिन होगा उस दिन प्रचार सुन लेना, पैसों के ऊपर प्रचार होगा ही होगा आखिरी दिन। ऐसा भड़काएंगे, डालो खाने करो, ये करो वो करो, ऐसे वचन से बात करेंगे, ऐसे भड़काएंगे, और लोग भी ऐसे जोश में आ जाएंगे, पर्स खाली कर 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 भागेंगे। घर पर जाकर पता है उसे तो भड़का दिया, हम देकर भी आ गए, वो तो इकट्ठा कर कर चला जाएगा। एक बहन जी को सपना है जहाँ पर वो चर्च में जाती, बोले इतने पैसे वहाँ पर पड़े हुए थे और ऐसे ही पड़े हुए थे, किसी की निगाह नहीं थी उस घर वालों की, तो बोले मैं पैसा इकट्ठा करने लगी उनको ही देने के लिए। परमेश्वर ने मतलब बताया, बोले मैंने बोला उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग वहाँ जा जा कर दे दे ही करते हो, क्यों वहाँ पर बोलते हैं ना माइक में जाहिर करते, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। और ऐसे लोगों के पास लोग जा जा कर देते, बाइबल से लोग प्रचार करते, बोले परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अपना दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ, और बोले परमेश्वर का भवन है, दे दो इसमें। लोगों के पास है, हाँ यार ये तो परमेश्वर का भवन, यहाँ तो देना ही चाहिए। लेकिन प्रेरितों के काम उसके 17:24 में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर हाथों से बनाए हुए किसी भी भवन में नहीं रहते, तो फिर वो परमेश्वर का भवन कैसे हो गया? सुलेमान का भवन भी टूट गया, प्रभु से किसी भी हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहते ये लिखा है, मतलब वो सुलेमान के भवन में भी नहीं रहते थे, हाँ आ जाते थे कभी, लेकिन परमेश्वर का जो भवन है वो पहले कुरिन्थी 3:16-17 में लिखा है, तुम्हारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा उसका शरीर परमेश्वर का भवन है। जिसके अंदर आप पवित्र आत्मा देखो उसको जाकर देना है, चाहे दान हो चाहे दस मास हो, लेकिन उसको जाकर देना है। लेकिन लोग प्रचार ऐसा करते, ये परमेश्वर का भवन दे दो, बोले हाँ ये परमेश्वर का भवन है दे दो, और लोग दे देते। बहुत कुछ है बाइबल में, लेकिन जो सच्चा है वो आज भी भुगत रहा है, और जो झूठा है वो बिंदास से इसी तरह से इकट्ठा कर 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 बिंदास से वो जीवन जो है वो जीवन जिए जा रहा है, उसको किसी भी तरह की मुश्किलें जो है वो मुश्किलें उसको नहीं आती।
और फिर मालूम है इससे क्या होता है, बहुत अच्छे लोग ठोकर खा जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग ठोकर खा जाते हैं, जो सच्चाई से चलना चाहते हैं, जो ईमानदार से चलना शुरू करते हैं, ऐसे लोग भी ठोकर खा जाते हैं। बहुत लोग ऐसी बातों को देखकर वो लोग ठोकर खा जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 73 और पढ़ो तो उसका दूसरा पद, मेरे डब तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डब फिसलने ही पर थे। हाँ, ये बोलता है कि मैं तो फिसलने पर ही था, मेरा पैर वो फिसलने ही पर था, मतलब मैं गिर जाता। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, जो दुष्ट लोग होते कितने कुशलता से आगे बढ़ते हैं, हाँ, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। हाँ, बोले उन घमंडियों को देखकर, ऐसे दुष्टों को देखकर मेरे अंदर डाह जाती थी। बोले परमेश्वर ये कैसा, मैं सही से चल रहा हूँ, मुझे भुगतना होता है, ये लोग दुष्ट लोग ये बिंदास से जीवन जी रहे, ऐसा कैसा। फिर क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। हाँ, मृत्यु के वक्त उनको वेदना नहीं होती, उनको कोई पीड़ा नहीं होती। और वो लाजर भिखारी थोड़े पड़े थे, बेचारा ऐसे में मर गया। और वो धनवान, उसको तो मरते वक्त भी कुछ नहीं होता, बिंदा से मर गया, मरते वक्त भी बोले ऐसे दुष्ट लोगों को कुछ नहीं होता। फिर परंतु उनका बल अटूट रहता है, उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता। हाँ, और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। हाँ, बोले जो दूसरे लोग होते नेक लोग होते उसके समान इनके ऊपर कुछ भी विपत्तियां जो है वो नहीं आती। दुष्ट लोग तो बिंदा से जीवन जीते। उसका पांचवा पद, फिर से एक बार, उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता। हाँ, और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं आती। हाँ, इनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, तो बिंदा से जीवन जीते। कैन बिंदा से जीवन पूरा किया, शाऊल ने बिंदा से जीवन पूरा किया, आखिर में मर गए, लेकिन बीच में उनको कोई परेशानी नहीं हुई। वो तो बिंदास से जीवन जीते थे, खाते थे, पीते थे, ऐश करते थे, बिंदास से वो लोग जीवन जीते रहे। उसका दसवां पद पढ़ो तो, इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्यारे का जल मिलेगा। दसवां पद, फिर से पढ़ो, इसीलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। भरे हुए, इसको गुजराती पढ़ो। ए माटे लोको तेमने अनुसरे छे, इसलिए ऐसा वो लोग जीवन जीते, उनको कुछ होता ही नहीं, मरते वक्त भी वो तो बिंदास से जीवन जीते। इस कारण से लोग उनके पीछे चलने लग जाते, उनका अनुकरण करने लग जाते, उनके अनुयायी बनते। बोले अरे अच्छा, ये नेक बनने से तो भुगतना पड़ता है, ये देखो दुष्ट होते तो कितना अच्छा होता है। बोले उनको तो कुछ होता ही नहीं। और दसवां पद, उबला तो पानी पी जाए। हाँ, बोले उबलता हुआ पानी पी जाता है, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। लोग ठोकर खा जाते, लोगों को ठोकर लगती है। बोले ये तो अच्छा जीवन है, और बोले लोग अच्छा जो जीवन है उसको छोड़कर दुष्ट बनने का प्रयत्न करने लग जाते हैं, ऐसे लोग ठोकर खा जाते हैं। फिर उसका बारहवां पद पढ़ो, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। हाँ, बोले तो दुष्ट लोग हैं, फिर भी बिंदास से रहते हैं, आराम से रहते हैं, और धन इकट्ठा किए जाते हैं, इनको कुछ नहीं होता। दुष्ट लोग शुरू से जब तक उनका जीवन होता है तब तक वो लोग बिंदास से जीवन जीते। ये भी परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से भर कर लिखते, बोले मैंने भी तो ठोकर ही खा डाली थी। बोले मेरा जो पैर था फिसलने वाला था, मैंने जब ये सब कुछ देखा, बोले दुष्ट लोग कितने बिंदास से जीवन जीते और परमेश्वर के लोगों को भुगतना पड़ता है, ऐसा कैसा है। तो बोले मुझे भी ऐसा लगा, और मैं भी फिसलने वाला था, मैं भी दुष्ट के रास्ते पर जाने वाला था। लेकिन फिर पढ़ो तो आगे उसका 16वां पद, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, दुनिया में दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हाँ, जब मैंने ये सब कुछ देखा, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब कुछ मुझे कठिन लगा,
ये 73 पूरा ध्यान से पढ़ना, वहाँ पर लिखा है। आखिर में बोलता है, नहीं 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 परमेश्वर, मैं दुष्ट लोगों के रास्ते पर मैं नहीं बढ़ने वाला, मैं वहाँ पर आगे नहीं जाने वाला। लेकिन एक बार तो उसको ऐसा ही हो गया था कि चलो मैं भी कुछ ऐसा ही मैं करता हूँ। फिर पढ़ो आगे उसका 17 पद। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। हाँ, फिर बोले मैं चर्च में चला गया, मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में इनका अंत वो मैंने ध्यान में लिया। बोले लोग मरते कैसे, इनका अंत क्या होता है, और यही सबसे बड़ी बात है, इनका अंत क्या है, इनका दी एंड क्या होता है, यही सबसे बड़ी बात है। और फिर जब इसे ध्यान से सोचा, बोले मरने के बाद क्या, फिर तो नरक में ही जाना है, फिर तो जलते ही रहना है, फिर तो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता। इससे अच्छा है कि अच्छे इंसान बनकर यहाँ पर भुगत लो, अभी भुगत लो, लेकिन 70-80 साल बिंदा से जीवन जियो, दुष्ट बनकर जीवन जियो। देखना, कई लोग होते हैं ना बड़े बड़े डॉन लोग, लोग उसके नाम से ही डरते हैं, बोले इसको कुछ नहीं करे, इसको नहीं छेड़ना है, अगर सामने से भी आएंगे तो लोग रास्ता पता कर चले जाएंगे। वो भी ऐसा हो जाता है, देखा लोग मुझसे डरते, मुझसे कुछ नहीं होता है। लेकिन मरने के बाद क्या, अभी तो तेरी आयु खत्म कर दे, 70-80 साल बिंदा से जीवन जी कोई बात नहीं, लेकिन मर जाएगा तब कहाँ जाएगा, और तब उसको नरक में जाना होता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से उसका आज भी नहीं, कल भी नहीं, और कभी भी नहीं, उसका छुटकारा कभी भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज जो हमने वचन पढ़ा था, वचन सही था उसका 94, और वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 13वां पद। क्योंकि तो उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। उसका 11वां पद पढ़ो। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। और हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। हाँ, बोले वो धन्य पुरुष है जिसको तू ताड़ना देता है, पीड़ा होती है। ये दुष्ट लोगों को कभी भी ताड़ना नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 12वां अध्याय उसका 5 और 6 पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हाँ, परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न मान। और जब वह तुझे घूरके, हाँ, तो जब परमेश्वर तुझे डांटे तो साहस न छोड़ा, तब साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी, उनको ताड़ना भी देते है। वो स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर जिसको प्रेम करते हैं उनको ताड़ना देते हैं। और जब परमेश्वर ताड़ना देते हैं तब इंसान के दिमाग में आता है कि कुछ गड़बड़ी है मेरे जीवन में, और सुधार लेकर आओ, और सुधार लेकर आओ। और हम सुधारते सुधारते क्या होता है कि जब मर जाते हैं तब हम उस भिखारी लाजर के समान हम अब्राहम की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन जो ऐसे ही धन पटोरता रहता है, दुष्ट में चलता है, को उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन उसकी आयु खत्म हो जाती और वो नर्क में अपने आप को पाता है। और अब्राहम ने क्या बोला कि देख, अब तू वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ से कोई वहाँ नहीं आ सकता, अब तू वहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता, बात खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, नर्क से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। धन्य है वो पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देते हैं। और फिर पढ़ो तो उसका 13वां पद, जो वचन हमने पढ़ा था।
क्योंकि तो उसको विपत्ति के दिनों में जो दुष्ट होते उनकी बात कर रहे हैं। फिर से पढ़ो, क्योंकि तो उसको विपत्ति, क्योंकि तो उसको मतलब दुष्ट को विपत्ति के दिनों में, विपत्ति के दिनों में हुँ? उस समय तक चैन देता रहता है। हाँ, विपत्ति के दिन से, विपत्ति के दिन से तो तब तक चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, गड्ढा नहीं खोदा जाता है। ये गड्ढा मतलब नरक, आग की जिल। दुष्टों को कब तक शांति है? जब तक नरक में नहीं गिरता तब तक, फिर हमेशा के लिए गया काम से। और इसलिए आज परमेश्वर इस वचन से हमको सिखाना चाहते हैं, कुछ भी हो, कितना भी भुगतना पड़े 70 और 80 साल के अंदर, लेकिन नेक बने रहो। किसी भी तरह से 70 और 80 साल अच्छाई में बने रहो। जो भी दुष्ट आपको परेशान करता है, होते रहो परेशान, कोई बात नहीं। परेशान होने के बाद भी उसको आशीष देते रहो, भागते रहो, छुपते रहो, जो भी है वो खत्म कर देता है तो खत्म हो जाओ। लेकिन खत्म होते होते भी उस स्टीफनुस की तरह उसको आशीष देकर जाओ। लेकिन मरने के बाद एक बात पक्की, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कहीं पर थक कर हार कर आप उसके समान दुष्ट बन गए तो दुष्ट को कब तक शांति? जब तक खड्डा नहीं खुदा जाता, जब तक उसको नरक में नहीं डालते तभी तक। लेकिन आज नहीं तो कल उसकी आयु तो खत्म होगी ना, फिर तो उसको नर्क में डालेंगे ना, फिर उसके पास शांति रहेगी? इससे अच्छा है कि 70-80 साल में नेक बने रहो, और नेक बनने के साथ जितना भी भुगतना पड़े भुगतो, लेकिन कुछ भी अपने मुंह से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से, अपने हाथ से, अपने पैर से, किसी भी तरह से कोई ऐसा काम ना करो जो दुष्ट करते हैं और जिसके कारण आपको उस खड्डे में जाना पड़े। लेकिन अपनी नेकी में बने रहो, दुष्टता से दूर रहो, ताकि 70-80 साल में चाहे भुगतना पड़े लेकिन बाद में तो हमेशा की शांति मिलेगी। लेकिन अगर दुष्ट बन गए तो हो सकता है यहाँ शांति मिले, लेकिन बाद में वहाँ पर हमेशा के लिए आपकी शांति छीन ली जाएगी, नरक में जलते रहोगे। और इसलिए जो भी हमने देखा, चाहे कैन को शांति मिली, चाहे शाऊल को शांति मिली, चाहे आपको शांति मिली, चाहे फरिश लोगों को शांति मिली, लेकिन उनका नाश अधोलोक में है। लेकिन हम अच्छाई में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ अब्राहम की गोद में हम हमेशा के लिए राज करेंगे। और इसलिए उस दिन को देखो, चाहे दुष्ट का अंतिम दिन, चाहे हमारा अंतिम दिन, लेकिन वो नरक में वो देखकर स्वर्ग के रास्ते पर बने रहो, और अपना स्वर्ग का रास्ता देखकर उसमें बने रहो। इस जमाने में भुगत लो कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त के लिए अपने आप को बचाए रखो। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके आसपास में ऐसे लोग हों, हो सकता है आपके रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हों, हो सकता है आपकी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हों, हो सकता है दुनिया में आप ऐसे लोगों को मिलते हो जो दुष्ट गिने जाते हो, लेकिन फिर भी बिंदास से रहते हो, उनको कोई परेशानी ना होती हो। लेकिन आज के वचन से परमेश्वर आपको सिखाया, उनकी शांति सिर्फ तब तक है जब तक वो खड्डे में ना गिरे। और हमारे जीवन में अशांति या ताड़ना या भुगतना ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल के लिए, लेकिन उसके बाद हमेशा की शांति। अगर आपको हमेशा की शांति चाहिए तो परमेश्वर के रास्ते में लगातार बने रहो, किसी की भी ईर्ष्या मत करो, दुष्ट को देखकर उसके जैसा बनने का प्रयत्न ना करो, लेकिन परमेश्वर में बने रहो ताकि उस खड्डे से, उस नर्क से आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।